अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नवरत्न खोरमा, जिसके लिए हमें चाहिए हमें आधा कप, ये हमने फ्रेश बटन लिए आधा कप, और एक बड़े साइज़ का गाजर जिसको हमने इस तरह से लंबे स्लाइस में काटा है, और हमने एक कप भर के गोभी ली है, फूल गोभी ली हमने इस तरह से बड़े बड़े पीस में काट दिए हैं, और आलू हमने दो छोटे साइज़ के लिए थे, इसे भी हमने इस तरह से क्यूब्स टाइप में काट लिया है, और शिमला मिर्ची भी हमने एक मीडियम साइज़ की ली थी, उसे भी इस तरह से क्यूब्स टाइप में काट लिया हमने, और दो टमाटे लगेंगे। इसको हम उबाल कर दो टमाटे की प्योरी बना देंगे, इसका छिलका निकाल कर, और ये दो प्याज ली हमने जिसको हम रफली काट के इसे बॉईल कर लेंगे, और इसको हम पीस लेंगे। टमाटे को अलग से पीसेंगे, इसकी प्योरी अलग से बनाएंगे, और प्याज के साथ हमें पीसने के लिए लगेगा हमने 10 से 12 बादाम को थोड़ा हल्का सा भून लिया है बादाम, और ये हमने एक टेबल स्पून उतना खवा लिया है, और एक टेबल स्पून हमें अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा। तो हम प्याज को बॉईल करके इसे निथार लेंगे, उसमें बादाम पहले बादाम को सूखा पीस लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज, अदरक लहसुन और खवा, ये चारों चीज़ें डालकर एक खट्टे पीस लेंगे, एक साथ पीस लेंगे। इसकी ग्रेवी अलग बनाएंगे हम, और टमाटे प्यूरी की ग्रेवी अलग बनाएंगे, और ये गरम मसाला लगेगा हमें। तो हमने दो इलायची, 3-4 काली मिर्चें लिया है, और एक टीस्पून ज़ीरा, और आधा टीस्पून शाह ज़ीरा, और दो छोटे टुकड़े दालचीनी के, और ज़रा सा हमने बिल्कुल पाव टीस्पून हमने जायफल लिया है, बिल्कुल पाव टीस्पून जायफल लगेगा हमें। तो इसको भी हम भून के इसका अलग से पेस्ट बना लेंगे, और एक टेबलस्पून हमें धनिया की बुकनी लगेगी, और कश्मीरी और तेज़ मिर्ची हमने एक टीस्पून हमने कश्मीरी और एक टीस्पून हमने तेज़ मिर्ची ली है, और एक टेबलस्पून हमें ये कस्तूरी मेथी लगेगी, और पनीर लगेगा हमें जो हम आखिर में फ्राई करके डालेंगे। तो हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, और फ्रेश मलाई और दूध हम ग्रेवी में डालेंगे, और तंदूरी कलर हमने बिल्कुल चुटकी भर लिया है, ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते। तो चलिए ये सब सब्जियों को हम सबसे पहले पानी में शक्कर डाल के बॉईल कर लेंगे, जिस तरह हमने डिनर फास्ट में सब्जियों को उबाला था, उस तरह हम आलू गाजर को उबाल लेंगे। तो हमने बॉईल होने के लिए पानी में शक्कर डाल के पानी को गर्म रख दिया है, इसमें हम सबसे पहले आलू और गाजर और फूलगोभी डालेंगे, आखिर में बटन और शिमला मिर्ची डालेंगे, क्योंकि आलू और गाजर को गलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसे पहले आधा से एक मिनट गलने देंगे, इसके बाद हम शिमला मिर्ची और बटाने डाल के फौरी से छान लेंगे, फिर इसे हल्का सा फ्राई करके फिर ग्रेवी में डालेंगे, और फिर टमाटर को भी बॉईल करके इसकी भी प्योरी बना लेंगे। चलिए सब्जियों को बॉईल कर लेंगे। हमने ये जो बादाम रखे थे उसे इस तरह बारीक पीस लिया है, अब इसमें हम प्याज, अदरक लहसुन और खवा डाल के, दूध डाल के हम इसे पीस लेंगे ग्रेवी में डालने के लिए। ये आलू और गाजर को हमने 2 मिनट से ये बॉईल होने के लिए रखा है, तो अभी हमारे आलू और गोभी अच्छे से गल गए हैं, अब इसमें हम शिमला मिर्ची और बटाने गलने के लिए डाल देंगे। ये जो हमने शिमला मिर्ची रखी थी वो डाल देंगे, और फिर इसमें ये बटाने डाल देंगे, बस अभी से हम एक छन्नी में छान लेंगे। इसी पानी में हम ये प्याज और टमाटर को बॉईल होने रख देंगे, इस तरह से हम इसे बॉईल होने देंगे, 2 से 3 मिनट हमें बस बॉईल करना है, फिर इस टमाटर की प्यूरी हम अलग से पीसेंगे, प्याज को बादाम के साथ पीस लेंगे। इस तरह से हमने सब्जियों को बॉईल करके छन्नी की मदद से इसे निकाल लिया है, अब इसे हम हल्का सा फ्राई करके हमारी ग्रेवी में डालेंगे। इस तरह से हमने ये बॉईल की हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और बादाम ये हम एक साथ पीस लेंगे एक जार में। एक कढ़ाई में सबसे पहले हम ये 2 से 3
टेबल स्पून उतना तेल डाल देंगे। फिर इसमें ये लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर उसमें हमने जो ये प्याज, खोवा और बादाम जो पेस्ट पिसा है अदरक लहसुन का, ये डाल देंगे इसमें। इसमें अच्छे से डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर टमाटर प्यूरी इसके डालेंगे और ये टमाटर प्यूरी को भी हमने पीस लिया है इस तरह से, इसे भी हम अंदर डाल देंगे। फिर अच्छे से इसे भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। तेल आने तक इसे हम भूनेंगे। फिर नमक डालेंगे इसमें हम। नमक और बिल्कुल चुटकी भर शक्कर डालेंगे, बिल्कुल चुटकी भर हम शक्कर डालेंगे इसमें। इसे 3-4 मिनट तक पकने देंगे ढक के। इसके बाद हम सब्जियों को और पनीर को हल्का सा फ्राई करके इसमें डाल देंगे। चलिए इसे तेल आने तक हम भूनने ढक के रख देंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा एक और केक पैन लिया हमने, इसमें थोड़ा तेल डाल के पहले पनीर फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर इसके बाद सब्जियों को निकाल लेंगे। पनीर को हम हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे तरह से। फिर बस हमें हल्का सा फ्राई करना है, थोड़ा सा और तेल डालेंगे हम। हमने 2 से 3 टेबलस्पून उतना तेल डाला है इसमें। पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसे हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें ये जो सब्जियाँ रखी थी इसे अच्छे से ऊपर नीचे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर नमक डाल के बिल्कुल 1/4 टीस्पून उतना नमक डालेंगे हम इसमें, ताकि हमारे सब्जियों में अच्छे से नमक चल जाए। अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसे ग्रेवी में डाल देंगे। तीन चार मिनट फ्राई होने देंगे। ये सब्जी हमारी 2 मिनट से हमने से 2 मिनट तक फ्राई होने के लिए रखा था, तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम हमारी ग्रेवी में डाल देंगे। हमारी ग्रेवी 2-3 मिनट से पक रही है। अब इसे हम ढक्कन हटा के इसमें हम कस्तूरी मेथी, गरम मसाला और तंदूरी कलर डाल देंगे। ये अच्छे से हमने इसे भून लिया है। ये जो हमने कस्तूरी मेथी रखी थी ये भी डाल देंगे इसमें हम, और जो ये तंदूरी कलर रखा था वो भी डाल देंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये सालन, बिल्कुल होटल में खाते हैं उस टाइप का बनता है ये सालन, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। और ये गरम मसाला भी डाल देंगे हम इसमें। हमने इस तरह से इसको बारीक पीस लिया था, धनिया की बुकनी के साथ ही हमने गरम मसाला पीस लिया था। तो चलिए अब इसमें हम सब्जी डाल देंगे। ये जो सब्जी हमने हल्की सी फ्राई करके रखी थी ये डाल देंगे, और आखिर में पनीर डालेंगे। ग्रेवी के लिए हम इसमें दूध डालेंगे। तो बादाम और प्याज के साथ हमने जो मलाई रखी थी, तो पिसने में हमने मलाई डालकर बादाम, प्याज और खोवे को मलाई डाल के पिस लिया था, तो इसलिए अब हम इसमें ये जो दूध रखा था हमने इसमें थोड़ा सा डाले, और इसमें से इतना पूरा दूध डाल देंगे हम। ये 1/2 कप उतना दूध था। ये थोड़ी सी सब्जी को गलने उतना हम ढक लेंगे।
ये हमारी ग्रेवी 2-3 मिनट से पक रही है, इसे चलिए अब चेक कर लेंगे। ढक्कन हटा के अच्छे से तेल आना शुरू हो गया है इससे, और इसमें इसकी सब्जी गली या नहीं हम इसमें, हमने आलू और वो गला के डाला था इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम सिर्फ 2-3 मिनट ही पकने देंगे इसे। चलिए इसमें अब हम ये जो पनीर फ्राई करके रखा था ये डाल देंगे और 2-3 मिनट इस ग्रेवी को पकने देंगे। फिर इस पर हम फ्रेश मलाई का थोड़ा सा इसमें स्मोक की खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा स्मोक की खुशबू के लिए इसमें मलाई हम फ्राई करके थोड़ा इसमें डालेंगे, इस तरह से हमने बटर चिकन में डाला था उस तरह से हम इसमें स्मोक की खुशबू देंगे मलाई डाल। मलाई की स्मोक की खुशबू वाला तड़का इसमें डाल रहे हैं। इस तरह से हमने इसमें धुएं की स्मोक की खुशबू दी है, ये इसमें मिक्स कर देंगे जिस तरह से हमने बटर चिकन में स्मोक की खुशबू दी थी उसी तरह हमने इसमें ये बघार डाला है। 1 टेबल स्पून मलाई डाल के हमने इसमें आग लेकर इस तरह से इसकी ग्रेवी डाल के स्मोक की खुशबू ली हमने, इसे हम और 2-3 मिनट ढक्कन ढक के पकने देंगे। फिर इसके बाद इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल के इसे हम अनन्नास, पाइनएप्पल, काजू और किशमिश और चांदी के औरख से इसकी गार्निशिंग करेंगे। ग्रेवी के लिए हमने इसमें और 2 टेबलस्पून उतना दूध डाला था, टोटल हमने इस पर इसमें 1/2 और 1/4 कप दूध डाला है, टोटल हमने 1/4 कप दूध डाला है। चलिए इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हमें गार्निशिंग के लिए हमने एक स्लाइस ली है पाइनएप्पल के, बस उससे हम थोड़ा सा बटर डाल के थोड़ा हल्का सा बस फ्राई करेंगे इससे, हमें गार्निशिंग के लिए लग रहा है पाइनएप्पल। बस इसे हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है जिससे हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। लीजिए बहनों, ये हमारा नवरत्न खोरमा तैयार है। इसे हमने पाइनएप्पल चीज़ खिसा है हमने इस पर और किशमिश और काजू से इसकी गार्निशिंग की, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं कैसा बना था। अल्लाह हाफिज़।